हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि पटेल। टुडे वी लर्न फॉर क्लास 10 इन फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर नंबर 8 मिसबिल्ड ऑटर रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। मिसबिल एक ऑटर है, ऑटर का नाम है मिसबिल। ओके, ऑटर ऑटर मीन्स उड बिलाव कहते हैं हिंदी में, जैसे हम गुजराती में जड़ बिलाड़ी। तो उड बिलाव, तो ऑटर का नाम है मिसबिल। गेविन मैक्सवेल है, उसकी एक पैट है ऑटर, और गेविन मैक्सवेल ने इस ऑटर का नेम रखा है मिसबिल। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमिशफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड एक कंट्री है, तो वहाँ पे एक वेस्ट हाईलैंड एरिया है जिसका नाम है कैमिशफर्ना। तो वो वहाँ के केविन मैक्सवेल है। टर्म व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। जो मैक्स केविन मैक्सवेल है, गेविन का जो एक पेट था डॉग, उसका नाम था जॉनी। उसके डेथ होने हो जाने के बाद जो गेविन है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, सैड होता है। तो फिर से वो डॉग को एक पेट के रूप में रखना चाहता था, बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लॉन्ली। रीड वॉट हैपन्ड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। तो जो गेविन मैक्सवेल है, उसको पैट रखने की एक हैबिट है। तो विदाउट पैट रहना वो एक लॉन्ली लगता है उसे। तो जो पैट के बारे में जो गेविन मैक्सवेल है, उन्होंने इस लेसन अपने वर्ड्स में दिया है, तो हम वो देखेंगे। वी स्टार्ट आवर लेसन। इस वीडियो में हम इस लेसन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू सॉथर्न इराक। अर्ली इन द न्यू ईयर, अर्ली इन द न्यू ईयर मीन्स जनवरी। अर्ली इन द न्यू ईयर मीन्स जनवरी में 1956 की बात कर रहे हैं। तब जो राइटर है गेविन मैक्सवेल, वो इराक ट्रैवल कर रहे हैं। एशियन कंट्री है, सॉथर्न इराक में ट्रैवल कर रहा था। बाय देन इट हैड क्रॉस माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग, एंड दैट कैमिशफर्ना रेजिन बाय वाटर स्टोन्स थ्रू फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन इमीडिएटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्रॉस माई माइंड मीन्स अ थॉट कैम इन टू माई माइंड, एक नया विचार आना। अ स्टोन्स थ्रो मीन्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एंड इमिडिएटली मीन्स वेरी हाई या हाई अ वेरी। तो जब राइटर है, वो जनवरी 1956 में इराक के लिए ट्रैवल कर रहा था, तब उसके मन में एक विचार आया। वो उसके अंदर विचार आया कि डॉग की जगह उसे एक ऑटर पैट के रूप में रखनी है। उसका जो डॉग था जॉनी, वो डेड हो गया था। उसके बाद वो दूसरा पैट रखना था, फिर वो दूसरा डॉग रखना चाहता, पर डॉग की जगह एक ऑटर रखेगा। ओके, और जो राइटर वहाँ रहता है कैमिशफर्ना में, वहाँ उसके नज़दीक ही एक शॉर्ट डिस्टेंस पे एक वाटर लेक है या कुछ दूसरा होगा। ओके, तो वाटर लेक, तो वो जो वाटर है उसको पानी पसंद है, वाटर पसंद है, तो वो वहीं पे उसके लिए एक सूटेबल प्लेस है, वेरी सूटेबल स्पॉट है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। व्हेन आई कैजुअली
mentioned this to a friend, he has casually replied that I had better get one in the degree masses, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. Tam means patractivos se, और टिग्रिस मार्सिस, तो इराक में से एक रिवर पास होती है उसका नाम है टिग्रिस, इसकी वजह से उस इस एरिया को इसे टिग्रिस मार्सिस की से जाना जाता है। तो टिग्रिस मार्सिस मीन्स क्या होता है, मार्सिस मीन्स एक वेटलैंड, डलडल है, ओके वेटलैंड है, डलडल कहते हैं उसे। मेसोपोटामियन मार्सिस और इराकी मार्सिस, तो इराक में इसे इसलिए उसे इराकी मार्सिस भी कहते हैं। आर वेटलैंड एरिया लोकेटेड इन साउथर्न इराक एंड साउथर्न ईरान एंड कुवैत में, तो जब इस केविन मैक्सवेल को ये बात एक आइडिया आया, तब वो आइडिया उसने उसके फ्रेंड के साथ शेयर किया, तो उसके फ्रेंड ने उसे कैजुअली रिप्लाई देते हुए आई हैड अ बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सिस, तो आपको ये जो ऑर्डर है टिग्रिस मार्सिस से आसानी से मिल जाएगी। ओके जैसे मस्कीटोज है, ओके एक कॉमन है आपको मस्कीटोज मच्छर जो है कहीं भी जगह पर मिल सकते हैं, वैसे ही टिग्रिस मार्सिस में जो उटबिला हुए ऑटर वो ऐसे ही मिल जाएगी। और वहाँ के जो अरब्स थे, अरेबियन कंट्री के जो लोग अरब्स, वो लोग उसे टैम्प के पैट के रूप में रखते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप, टू वीवर जो गेविन मैक्सवेल है और उसका जो फ्रेंड है वो बसरा जा रहे हैं, क्यों, तो जो कौंसल जनरल है वहाँ से उसके लिए एक मेल आने वाला, तो मेल कलेक्ट भी करना है, उसका आंसर भी देना है जो यूरोप से आने वाला था, तो वो वहाँ कलेक्ट करना है और उसको आंसर देने के लिए वो बसरा जा रहे थे। जो कैमिस फन है वो यूरोप में आया था और राइटर का नेटिव प्लेस है यूरोप स्कॉटलैंड। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड डेट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव बट डेट माइन हैड नॉन, पर वहीं पे जाके कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में बसरा जाने के बाद पता चला कि उसका जो फ्रेंड है उसका मेल आ चुका है, पर उस राइटर जो है उसका मेल नहीं आया है। I cabled to England and went 3 days later, nothing had happened. I tried to telephone, the call had to be booked 24 hours in advance. तो इन प्रेजेंट सिचुएशन में हम हमारे घर से भी हम मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर चैट करके या अदर डॉक्यूमेंट अदर सोशल मीडिया की वजह से हम अपना जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। पर ये जो स्टोरी है 1956 की, तब कन्वर्जेशन करनी इतनी आसान नहीं थी, ओके कन्वर्जेशन इतनी इम्प्रूव नहीं हुआ था, इसलिए जो राइटर को जो स्ट्रगल हुई थी कम्युनिकेशन के लिए वो हमें बता रहा है। ओके केबल मीन्स सेंट अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, तो इस टाइम की एक फेमस कम्युनिकेशन सिस्टम थी टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ की वजह से वो इमरजेंसी में जो मैसेज करना तो टेलीग्राफ की वजह से कर सकते थे। तो उन्होंने इंग्लैंड टेलीग्राफ किया और 3 डेज के बाद उसे लेटर मिला था, पर नथिंग हैड हैपन, और 3 डेज के बाद भी उसे वो मेल नहीं मिला। आई ट्राई टू टेलीफोन, उन्होंने टेलीफोन कॉल करने की ट्राई की, बट क्या होता है तो कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस, पर हमें आज कल करना तो आज हमें 24 आवर्स पहले, एक दिन पहले हमें वहाँ पे बुक कर देना होता है कॉल्स कि कल मैं कॉल करूँगा, तो 24 आवर्स पहले वो एडवांस कॉल बुकिंग करते हैं।
ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ हॉलीडे रिलीजियस हॉलीडे, ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर बुक ब्रेक डाउन। तो टेलीग्राम कन्वर्जेशन के लिए राइटर को जो स्ट्रगल करनी पड़ी उसके बारे में बताया। तो कॉल बुक करने के बाद 24 आवर्स के बाद वो वहाँ पहुँचे, तब क्या हुआ? तो फर्स्ट डे कोई क्या था, तो फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ द ऑर्डर, कनेक्शन ख़राब था, आउट ऑफ द ऑर्डर थी, इसलिए वो कन्वर्जेशन नहीं कर पाए, कॉल नहीं कर पाए। नेक्स्ट 24 आवर्स डे ले सेकंड डे, नेक्स्ट 24 आवर निकल गए सेकंड डे। तो सेकंड डे क्या हुआ, तो क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे, तो जो टेलीफोन एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज थी वो क्लोज थी एक रिलीजियस हॉलीडे की वजह से। एंड नेक्स्ट 24 आवर्स, तो तीसरे दिन 24 आवर्स के बाद तो फिर से लाइन ख़राब थी, किसी जगह पे फॉल्ट हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था, तो इसलिए वजह फिर से लाइन बंद थी। माई फ्रेंड लिव एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन वीक्स टाइम, 5 days लेटर माई मेल अराइव। तो माई फ्रेंड लिव, तो 3 दिन वेट करने के बाद उसका जो फ्रेंड राइटर का जो फ्रेंड था वहीं से निकल जाता है। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन वीक्स टाइम, और आफ्टर वीक, ओके वीक्स टाइम, तो एक हफ्ते के बाद वो लोग मिलेंगे ऐसा बताया। एंड 5 days लेटर माई मेल अराइव, और 5 दिन के बाद उसका मेल, राइटर का मेल आया। आई कैरीड इट माई बेडरूम टू रीड, एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर टू अरब्स बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वेरम फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्क्वेरम, स्क्वेरम मीन्स ट्विस्ट अबाउट, ओके। स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग मीन्स क्रॉस लेग करके बैठे, जैसे हम खाने के लिए बैठे, ओके, या फिर प्रेयर के लिए बैठे, जैसे हम क्रॉस लेग करके वैसे बैठे हुए थे। तो आई कैरीड टू माय, कैरीड इट टू माय बेडरूम टू रीड, जो मेल आया वो उसे कैरीड करके लेके वो अपने बेडरूम में जाए रीड करने के लिए। एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर फोर बेड टू अरब्स, अरेबियन कंट्री के 2 पर्सन अरब्स बैठे हुए थे लेग क्रॉस करके। बिसाइड डैम ले अ सैक, और उसके साथ एक साइड में उसके साथ एक सैक भी था, या स्कीमर फॉर टाइम टू टाइम, और वो जो सैक था वो टाइम टू टाइम ट्विस्ट कर रहा था, हिल रहा था, जैसे अंदर कोई लिविंग चीज हो। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, हियर इज योर ऑर्डर, और वो उन्होंने मुझे एक लेटर पकड़ा है, एक नोट दी जिसमें लिखा था हियर इज योर ऑर्डर, इरे तुम्हारी वुड बी लव ऑर्डर। तो ये इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।